हेलो बच्चों, लाइन्स एंड प्लेन्स से एक और नया क्वेश्चन लेके आए हैं, एक नए टाइप का। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अब तक मैंने कराया नहीं है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में, ये 2019 में आया है। ठीक है, जुलाई। तो क्वेश्चन क्या है बच्चा, देखिए क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको एक सिंपल फॉर्म बताना चाहिए। अ लाइन पासिंग थ्रू एनी टू पॉइंट्स। ठीक है, देखो द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन एंड प्लेन, प्लेन नहीं है यहाँ, ठीक है, सिर्फ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए 3, 4, -7 एंड बी 6, -1, -1। ठीक है, तो इसके लिए हमें लाइन का इक्वेशन बनाना है, वो भी वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, आप कार्टेशियन में बना सकते थे, हमें वेक्टर बनाना है। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म होता है इक्वेशन टू लाइंस, टू पॉइंट से पासिंग होने वाली लाइंस के लिए। r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्डा a माइनस b। अरे यार, ए बार प्लस लैम्डा ए बार प्लस बी बार, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार माइनस ए बार, ये होता है बेटा इसका इक्वेशन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, आप इसे लिख लो। ठीक है, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, ठीक है, गिवन टू पॉइंट्स, ठीक है, क्लियर, उसके लिए इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ ए बार क्या आ रहा है बेटा, ए बार आपका ये है 3i कैप, लेट लिख लीजिए, फिर प्लस 4j कैप, ठीक है, माइनस 7k कैप। ठीक है, b बार क्या हो गया बेटा, b बार आपका हो गया 6i कैप माइनस 1j कैप। ठीक है, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस k कैप, वहां भी 1 लिखो या मत लिखो। ठीक है, चलिए अब लिखते फिर इक्वेशन। तो क्या हो रहा है, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो रहा है बेटा, देयरफॉर देखिए r बार is equal to a बार की जगह क्या आएगा 3i cap j cap minus 7k cap। ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते डायरेक्टली क्लोन करके, चलिए लिख लिया, ये इक्वेशन हो गया। फिर बाद में प्लस lambda b बार माइनस b बार, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 6 - 3 कितना हो गया 3i cap। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है, देखो इसमें से ये गया पॉजिटिव साइन, अब ये माइनस होगा, a बार का माइनस, यानी इसके सबके साइन चेंज, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। ठीक है, देखो ये माइनस हुआ तो ये बड़ा था इसलिए पॉजिटिव, अब ये माइनस वन, ये माइनस फोर, ये माइनस माइनस के कारण साइन चेंज हो गया ना, देखो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे, तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो जाएगा माइनस फाइव। ठीक है, साइन प्लस की होगा, मैं एडिशन की बात कर रहा हूँ, सेम साइन है, तो माइनस फाइव जे कैप, माइनस फाइव जे कैप। ठीक है बच्चा, अब यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि इसके साथ करोगे प्लस, तो प्लस 7 और 1 कितना हो गया प्लस 8 के कैप, प्लस 8 के कैप। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू एनी टू पॉइंट्स। ठीक है, ओके, पासिंग थ्रू एनी टू गिवन पॉइंट्स, ऐसे भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये इक्वेशन अगर आपको याद होना बच्चा, तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, 2 मार्क्स के लिए आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब 2 मार्क्स के मैं और 5-10 वीडियो पोस्ट करूंगा, उसके बाद मैं डायरेक्टली 3 मार्क्स वाले और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन निपटाऊंगा, और आज के आज जब ये वीडियो पोस्ट हो रहा है उसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ मैं हो सके तो 7 चैप्टर जो है उसके भी वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, जिससे कि आपका मैथ्स वन के पूरे आए भी खत्म। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि पीडीएफ जो है, पीडीएफ, ठीक है, वो पीडीएफ बच्चों ने बहुत से बोला है कि आईएमपी क्वेश्चन का पीडीएफ करा दो सर। ठीक है, आपको यहाँ से मैथ्स के पेपर को आसपास है बेटा, नहीं तो भी 10 दिन कम से कम। ठीक है, तो तब क्या करना है आपको, मैं अभी टेलीग्राम पे वो डाल दूंगा, उसके लिए मैं लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हर वीडियो की, जितने वीडियो मैंने आईएमपी के पोस्ट किए, मैं कोशिश करूंगा कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, जय हिंद, जय भारत।